के बारे में, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? उपसमुच्चय। बहुत नॉर्मल सी छोटी सी अवधारणा है। देखिए यहाँ पे खुशबू, जैसे कि यहाँ पर अपने पास एक समुच्चय है, या एक जैसे कि इंडिया टीम के अभी जो वर्ल्ड कप में खिलाड़ी गए हैं 15 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी गए हैं 15 खिलाड़ी, तो अपन इतना ज़्यादा बड़े तौर पर नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए 15 की जगह 5 गए और 11 की जगह 3 की टीम चुनी जाती है, ऐसा मान लेते हैं अपन, ठीक है। तो 15 की जगह जो कोई भी 5 गए, जैसे कि धोनी गया, विराट गया, रोहित गया, जसप्रीत बुमराह गया, और एक कौन सा, अरे एक हाँ चलो हार्दिक पांड्या गया, ठीक है। अब ये आपकी जो आपने टीम भेजी 15 लोगों की, अब आप भी जानते हैं कि मतलब 15 लोगों में से 11 लोग आपको खिलाने हैं, तो इसमें से ही आप एक टीम बनाएंगे 11 लोगों की। तो मान लीजिए अपन ने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। तो ये जो समुच्चय है ये इसमें से निकला है, तो ये इसका उपसमुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? हिंदी में हम बोलते हैं आई उप समुच्चय है ए का। किसका? हिंदी बोलते हैं कि आई जो है वो ए का उपसमुच्चय है। संकेत में बोलते हैं कुछ आई उपसमुच्चय है ए का, आई उपसमुच्चय है ए का। क्या आप इसके और उपसमुच्चय बना सकते हैं? कोई बना सकता है। चलिए अब अपन एक नॉर्मल सी बात लेते हैं। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन जो बच्चों में रहता है कि उपसमुच्चय क्या है, उपसमुच्चय क्या है। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल अपन लेते हैं खुशबू। ये एक समुच्चय है ए बी सी, ये एक समुच्चय है ए बी सी। तो कोई भी समुच्चय जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें पता करना है कि बी ए का उपसमुच्चय है कि नहीं। तो अगर हमें ये पता करना है कि बी ए का उपसमुच्चय है कि नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि बी में जो अवयव हैं वो सब ए में हैं कि नहीं है। इतनी सी बात है। जैसे यहाँ पे गौर करिए क्या लिखा है, ए है, तो बी में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो ए में, तो बी जो है वो ए का उपसमुच्चय है। क्यों नहीं? क्योंकि बी में एक ऐसा अवयव है डी, ये कहते हैं लेने। आप जो मेरे डायलॉग उसको सुने, ये एक अवयव है यहाँ पे डी, इसमें एक ऐसा अवयव डी है जो ए में, इसलिए ये एक उपसमुच्चय बी उपसमुच्चय नहीं है, ए का नहीं आया समझ में। चलिए तो अभी ये क्लास कक्षा 11वीं का समूह है, ठीक है, कक्षा 11वीं का समूह है, उसमें से मैंने एक समुच्चय निकाला है, मुझे पता नहीं, आदित्य, सोनू, कर बताइए क्या बी कक्षा 11 का उपसमुच्चय है? क्यों? बी में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो कक्षा 11 में ना हो, इसलिए बी जो है वो कक्षा 11 का उपसमुच्चय है। और कक्षा 11 को हम बोलते हैं अधिसमुच्चय। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अधिसमुच्चय, याद रखना। कक्षा 11 से निकाला उसको क्या बोलते हैं? अधिसमुच्चय। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब आप बताइए क्यों नहीं है? क्योंकि बी में एक ऐसा अवयव है कपिल जो कक्षा 11 में नहीं है, इसलिए बी कक्षा 11 का उपसमुच्चय। समझ आया कि नहीं आया? थक गए? चलिए तो ये समझ गए। अब यहाँ पर अपने पास एक समुच्चय है ए, तो मैं यहाँ पे कुछ छोटे समुच्चय लिखूंगा, आपको बताना ही है कि इसके उपसमुच्चय हैं कि नहीं। तो मेरा पहला समुच्चय ये, क्या ये इसका उपसमुच्चय है? क्यों? इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं है जो इसमें, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय है बी उपसमुच्चय है ए का। थक गए क्या? इसको अपन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है, नंबर 1 नहीं देना चाहिए पर पता फसा है। नेक्स्ट है बेटा ये, क्यों? इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं है जो इसमें ना। नेक्स्ट है क्योंकि इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं है जो इसमें, क्या ये समुच्चय नहीं? ये कल समुच्चय नाम है ना, है समुच्चय, तो ये है कि नहीं? क्यों? ऐसा कोई अवयव नहीं, एक ही तो अवयव है ए वो इसमें, तो इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं है जो इसमें, तो ये इसका उपसमुच्चय है। अब ये तो हो गए सरल वाले, अब आते हैं यहां पे
लेकिन सर ये तो वही का वही है, वही का वही से क्या लेना देना, हमने जो पूछा उसका जवाब दो आप, ये इसका है। हर समुच्चय खुद का उपसमुच्चय है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं है जो इसमें ना हो, ये इसका क्या है, उपसमुच्चय। नहीं आ रहा है, आ गया समझ में? ये इसका थोड़ा सा मतलब कि आप मतलब ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन। ये बताइए ये है क्या, तो मैं पूछ रहा हूँ ये इसका उपसमुच्चय है कि नहीं, क्यों नहीं है? अच्छा शर्त क्या बताई, इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं है जो इसमें ना हो, तो ये इसका उपसमुच्चय है कोई अवयव बताओ, कौन सा अवयव जो इसमें नहीं है, उसमें तो अवयव, उससे क्या लेने देना, हमारी शर्त क्या है, ऐसा कोई अवयव इसमें नहीं होना चाहिए जो इसमें से सुपर सेट में से ना लिया गया, समझ लो, तो इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं है जो इसमें ना हो, इसलिए ये भी क्या है इसका उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय सभी का उपसमुच्चय होता है। नहीं आई बात समझ, नहीं आई? अब देखो बच्चों, तो यहाँ पर इस बात को आप नहीं भूलें, तो इसमें कितने अवयव थे, तीन अवयव, आप इसके इससे ज़्यादा उपसमुच्चय नहीं बना सकते, देख लीजिए अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, ऐसा तो नहीं कि ए बी को बी ए लिख दें, ए बी ओ बी ए तो एक ही होता है, तो एक हो गया ए बी, एक हो गया बी सी, एक हो गया सी, दो दो के तीन हो गए, एक एक के तीन हो गए, एक तीन का और एक ही है। नहीं आई बात समझ, इसमें कोई कन्फ्यूजन होने ही चाहिए, जो मैंने बोला वो आपने सुना नहीं तो हो सकता कन्फ्यूजन हो जाए, वो आपकी गलती है, मैंने क्लियर कंसेप्ट बताया, मैं इसलिए बोला था आप क्लियर सुन लीजिए कि जो समुच्चय आपको विचार करने दिया है उस समुच्चय में देखिए क्या ऐसा कोई अवयव है जो इस समुच्चय में ना हो, अगर नहीं है तो उपसमुच्चय, इसमें ऐसा कोई अवयव है जो इसमें ना हो, नहीं तो ये उपसमुच्चय है। अब बताइए इसमें कोई ऐसा अवयव है जो इसमें ना हो, कौन है, डी, तो नहीं है, इसमें कोई ऐसा अवयव है जो इसमें ना हो, हाँ डी है, नहीं है, अब इसमें कोई है नहीं है ऐसा कोई अवयव जो इसमें ना हो, तो ये समुच्चय है, कभी भी नहीं आया समझ, क्या बकवास कर देते हो, मेन बात से भटक जाते, तो आप इसके अलावा कोई उपसमुच्चय बना के बता कि अगर इसमें तीन अवयव हैं तो इसके टोटल उपसमुच्चय बन सकते हैं 2 to the power 3, 2 to the power 3 मतलब 8, 1 2 3 4 8 समुच्चय, समझ गए, और 4 होते तो 2 की घात 4 मतलब 16, और n होते तो 2 की घात n, इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। एक और ट्राई करते हैं, अपने पास एक समुच्चय है ए बी, जो थ्योरी के ध्यान से नहीं पढ़ता उसको दिक्कत हो जाती है, ए बी अपना एक समुच्चय है, अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहला उपसमुच्चय हम बताते हैं, क्यों, फाई सब का उपसमुच्चय होता है, बिकॉज इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं है जो इसमें ना हो, सेकेंड है ए, फिर है बी, और फिर ये खुद ही का है, समझ में आया बेटा, सो नहीं आया, पक्का समझ में आया? अब बच्चों ये आप कंसेप्ट समझ गए कि अगर n अवयव है तो 2 to the power n उपसमुच्चय बनेंगे। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है सारे बने, इसमें बच्चों को बुरा लग जाता है, जैसे मान लीजिए सर के, मान लीजिए यार ये आपने इसका नाम b रखा, तो a b का उपसमुच्चय है क्यों, या सॉरी b a का क्या है, उपसमुच्चय क्यों है, कि b में ऐसा कोई अवयव नहीं है जो a में ना हो, तो समझा है, लेकिन सर अगर उल्टा सोचें ए में भी तो ऐसा कोई अवयव नहीं है जो बी में ना हो, तो फिर तो बी ए का भी है और ए बी का भी, नहीं आया समझ, तो ये गजब का महत्व बोले बहुत आता है ऑब्जेक्ट में कि यदि ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों बराबर है, नहीं आया समझ। अब बेटा अपन ने इसके 8 उपसमुच्चय बनाए हैं, 8 में से ये जो 7 हैं ये माने जाते हैं उचित उपसमुच्चय, क्या, क्योंकि ये ड्रॉबैक नहीं कर सकते कि खुद मतलब अधि बन गए, जबकि यहाँ पे इन दोनों में कोई भी अधि हो सकता है और कोई भी उचित हो सकता, सॉरी उप हो सकता है, नहीं आ रहा समझ, समझ में आया, तो हैं तो 8 उपसमुच्चय, ये हैं तो 8, पर उसमें से ये 7 जो है ये क्या कहलाते हैं, उचित उपसमुच्चय, क्यों, क्योंकि ये कभी अधि समुच्चय नहीं बन सकते उसके, लेकिन ये इन दोनों में से कोई भी अधि समुच्चय हो सकता है, कोई भी उचित उपसमुच्चय हो सकता है, नहीं ज्यादा बोल रहे हैं, तो उपसमुच्चय बनते हैं 2 to the power n, लेकिन उचित उपसमुच्चय बनते हैं 2 to the power n-1, मेरी बात सुनते नहीं है, ऑब्जेक्टिव आया था पूरा बर्बाद करके आ गए अभी पेपर, नहीं आई बात समझ, पक्का समझ में आई,
तो ये अपन ने एक चीज जरूर पढ़ी है कि यदि ए बी का उपसमुच्चय है और बी ए का उपसमुच्चय है तो इसका मतलब है कि ए और बी क्या है, बड़ा होगा। अब प्रिंस जी, जैसा कि सर ने बताया, आपने सुना नहीं कि कैसे चेक करते हैं अपन। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसका मान रख दिया, मान लीजिए इसका मान रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, क्या रख दिया, बी। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि बी उपसमुच्चय है किसका, ए का, माने बी का हर अवयव ए में भी होगा। नहीं आ रही बस, बहुत कठिन है चीज समझना, बहुत कठिन है कि बी अगर किसका उपसमुच्चय है तो इसका सिंपल मतलब है कि बी का हर एक अवयव ए में होगा। तो अब अगर मैं बोलता हूँ कि एक सदस्य है बी का, तुम गारंटेड बोल दोगे कि एक सदस्य है ए का। क्यों बोल दोगे कि बी ए का उपसमुच्चय, मतलब ए से ही निकला है। नहीं समझे, आते हैं। सागर उपसमुच्चय है मध्य प्रदेश का, सही कि गलत? सही। तो अब अगर मैं बोलता हूं कि आदित्य सदस्य है सागर का, तो इसका तात्पर्य, इसको बोलते हैं तात्पर्य, इस चिन्ह को एम्प्लाई एम्प्लाई चलाते हैं, इसको बोलते हैं इसका तात्पर्य है कि आदित्य सदस्य है मध्य प्रदेश का। पक्का बिना ही देखे, क्यों? तो सागर उपसमुच्चय है मध्य। और अगर मैं बोलता हूं कि सोनू सदस्य है सागर का, तो सोनू सदस्य है मध्य अपने आप। क्यों? क्योंकि सागर मध्य प्रदेश का उपसमुच्चय है। नहीं आई बात समझ? तो अब मैं यहाँ पे ध्यान देता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं कि ए बी का उपसमुच्चय है, ए बी का क्या है, और मैं कह रहा हूं कि एक सदस्य है ए का, तो इसका तात्पर्य है एक सदस्य है बी का, क्योंकि जो उपसमुच्चय में होगा वो अधिसमुच्चय में तो होगा ही होगा। ज्यादा बोल रहे हैं, तो ये कहलाती है सांकेतिक परिभाषा। क्या कहलाती है? सांकेतिक परिभाषा। तो इसका अपन मतलब निकालें कि यदि ए उपसमुच्चय है बी का, तब यदि एक्स सदस्य है ए का, तो इसका तात्पर्य है कि एक्स सदस्य है बी का, जो उपसमुच्चय में है वो अधिसमुच्चय है। ये अधिसमुच्चय, ये उपसमुच्चय, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, बहुत जरूरी बातें हैं अपन को करनी है, एक बहुत बड़ी बात। आप वर्णमाला में जितने भी समुच्चय बनाए, आप पूरे नहीं बनाते, बिकॉज वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, कितने होते हैं, और उपसमुच्चय बनेंगे 2 की घात 26, और 2 की घात 26 इतना छोटा भी नहीं है, पर सब बनेंगे उसमें से ही। तो ये जो वर्णमाला का जो टोटल वो है, वो कहलाता है सुपरसेट। क्या कहलाता है? हाँ, हिंदी में बोलते हैं, अरे यदि समुच्चय नहीं, सॉरी सुपर नहीं, यूनिवर्सल सेट्स, यूनिवर्सल सेट मतलब ये होता है सार्वत्रिक, इसमें सब कुछ लेते हैं अपन, है ना। वो समुच्चय जो सबका आदि समुच्चय होता है वो कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। जैसे इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के लिए पृथ्वी जो है वो क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है। चलिए अपन अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सबसे पहले अपन आ जाते हैं उपसमुच्चय की परिभाषा पे। परिभाषा समझ में आ गई बेटा? चलिए अब दो चीज़ें, फाई सबका उपसमुच्चय है, फाई कोई भी समुच्चय खुद का क्या है, उपसमुच्चय, याद रखना, कोई भी समुच्चय खुद का क्या है, ठीक है। ये सब आता वाता नहीं है, मैं तो बस बता रहा हूँ, मेरी आदत खराब है इसलिए, ठीक है। बाकी अब देखो आने को जब आ जाएगा तो सब देख लेंगे अपन। चलिए अब आ जाते हैं अपन नई चीज में, सुनो बहुत सरल चीज़ है। प्रमेय समझ में आया बेटा? देखो प्रमेय दो समझ में आया, देखो प्रमेय दो समझ में आया, नहीं आया, देख तो लो, ए बी का उपसमुच्चय है बी एक। अब मेरी बात अपन बात करते हैं, जीनियस क्लासेस उपसमुच्चय है सागर का, सागर में खुली है, सागर उपसमुच्चय है मध्य प्रदेश का, है तो इसका क्या मतलब हुआ, जीनियस क्लास उपसमुच्चय है मध्य प्रदेश का। नहीं समझे, ये रहा मध्य प्रदेश, अब मध्य प्रदेश के अंदर कौन है, सागर, और सागर के अंदर कौन है, जीनियस क्लास। तो जब जीनियस क्लास सागर का उपसमुच्चय, और सागर खुद किसका उपसमुच्चय है, तो जीनियस क्लास मध्य प्रदेश का तो हो गया, नहीं आया समझ। तो कितनी सरल चीज है, पर बुक्स में सिंबल से इन सब से इनको इतना कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं कि बच्चे कहते हैं हमें चैप्टर ही नहीं पढ़ना, बर्बाद हो जाता काम।
बर्बाद ना होने पाए, इसलिए हमें यहाँ ध्यान ना देना पड़ेगा कि यदि ए बी का उपसमुच्चय है और बी सी का उपसमुच्चय, सबसे बड़ा कौन है सी, तो ए सी का भी उपसमुच्चय होगा। समझ आया कि नहीं आया, पक्का? चलिए आओ अपन सोनू भाई, और जो चीजें हैं उचित उपसमुच्चय और अधि उपसमुच्चय, अधि समुच्चय की अवधारणा मैंने बता दी है। चलिए अपन यहाँ पे गौर, मैंने बता सब कुछ दिया है, यहाँ ध्यान दीजिए। ए देखिए क्या कहना चाहेंगे आप ए और बी के बारे में, ए उपसमुच्चय है बी का, ए कहलाएगा उपसमुच्चय, बी कहलाएगा, क्या हम कह सकते हैं कि ए एक उचित उपसमुच्चय है? क्यों? कि वो कभी पलट के अधिसमुच्चय नहीं बनेगा, ठीक है? तो हम बोलते हैं ए उपसमुच्चय है बी का, बी अधिसमुच्चय है ए का, जिस तरफ दो है वो क्या है, अधिसमुच्चय है। चलिए अब आप देखिए, अब आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो ये कहना चाहेंगे ए और बी बराबर है, लेकिन अब उपसमुच्चय की बात करें तो ए उपसमुच्चय है बी का, लेकिन तो मिला के बात है कि ए वो भी बराबर है, ठीक है? अब आप कह सकते हैं कि ए एक उचित उपसमुच्चय है, ए एक उचित समुच्चय नहीं। यदि किसी समुच्चय में एन अवयव है तो उससे किससे कितने समुच्चय बनते हैं, 2^n, इतने उपसमुच्चय में से एक जो होता है वो क्या नहीं होता, उचित। तो अगर आपको पता करना है उचित, तो 2^n-1, ये बहुत आता है। एक समुच्चय में 3 अवयव है तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या 8, और उचित उपसमुच्चयों की संख्या 7, एक जो पूरा वाला उसको, समझ में नहीं आया ना? आ गया, पक गए? हाँ चलिए, तो अब अपन बात करेंगे किस पे, सार्वत्रिक समुच्चय पे। किस पे बात करेंगे? सार्वत्रिक। अभी सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय मतलब यह समुच्चय कि दिए गए सारे समुच्चय उसके क्या रहे, उपसमुच्चय। जैसे अगर अपन एक बड़ा एग्जांपल है अंग्रेजी की वर्णमाला, अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26। अब अगर हम स्वरों का समुच्चय लें ए ई आई ओ यू, तो ये इसका उपसमुच्चय। अगर हम व्यंजनों का उपसमुच्चय लें तो बी सी सब लिख लेंगे, लेकिन ये भी सब इसके क्या रहेंगे, उपसमुच्चय। अगर हम डी के पहले वाले लें ए बी सी, तो भी उसके क्या रहेंगे, उपसमुच्चय, है ना? अगर हम जेड के पहले वाले लें, पी क्यू के बीच का कुछ लें, कुछ भी लें, वो सब इसके क्या रहेंगे, ये कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय। क्या कहलाता है? तो अगर दिए गए सारे समुच्चय, दिए गए किसी एक समुच्चय क्या हूं, तो वो जो समुच्चय वो कहलाता है सार्वत्रिक। अब मैं यहां आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, आपको ध्यान देना है। सम संख्याओं का समुच्चय 2, 4, 6, 8, विषम संख्याओं का समुच्चय 1, 3, 5, 7, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय 2, 3, 5, 7, 11, इतने सारे। अब आप एक ऐसा समुच्चय बोलो कि सब उपसमुच्चय बन जाए उसके, बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाएं भाई के लिए जल्दी फटाफट। प्राकृतिक संख्याओं का उपसमुच्चय, समुच्चय, ये जो समुच्चय है ये सब इसके क्या हो जाएंगे, ये सब इसी में से निकाल निकाल के बनाए हैं, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, समझ गए? तो अगर मैं किसी प्राणी को उठाता हूं तो उसके लिए कौन उपसमुच्चय है, पृथ्वी। वो सब प्राणी पृथ्वी पे ही, अभी हाल तो कोई बाहर बाहर गया हो तो मुझे पता नहीं, समझ गए बेटा? एक आखिरी चीज बचती है जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, प्रिंस जी ध्यान देना वरना दिक्कत हो जाएगी बेटा। ये सब कितनी सरल है लेकिन पढ़ना पड़ता है, वरना सर की बात यहाँ तो देखो, हम तो एग्जाम्पल देते हैं तो ये समझ आ जाती है, बाद में आके भूल जाओगे, भूलना है नहीं अपन को। तो बच्चों यहाँ पर एक समुच्चय है ए बी सी, हमें इसके क्या बनाने हैं, उपसमुच्चय। तो पहला हम बना दे रहे, सही है, और ये नहीं लिखना तो ये, लेकिन एक कुछ ये उसका सिंबल, कितनी बार समझा चुके हैं, गलती नहीं करना। तो चलो पहला हमने बना दिया ये, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी सी, ये सब इसके क्या है, उपसमुच्चय। अगर इन सब को हम अवयव माने, क्या माने, और एक समुच्चय में रखें, तो इसको बोलते हैं पावर सेट।
क्या बोलते हैं? पावर सेट। क्या बोलते हैं? खाद खाद समुच्चय। सर खाद समुच्चय क्यों बोलते हैं? आप भूल गए, आपको पता है कि तीन अवयव हैं, तो दो की घात तीन आठ उपसमुच्चय बनेंगे। और इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? आठ। किससे पता किया? घात से, बिना करे। तो इसका कहलाएगा पावर सेट। नहीं आया समझ? अब मुझे ये बताओ कि अगर ए में दो अवयव हैं तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? कैसे पता? दो की घात दो चार। कोई पूछे इसके पावर सेट में कितने होंगे? चार। पावर सेट है क्या? उप समुच्चयों को लेकर एक नया बना दो समुच्चय। समुच्चय का समुच्चय नहीं आए, उसका हर अवयव खुद क्या रहेगा? एक समुच्चय रहेगा। समझ गए मेरी बात? नहीं समझे? चलिए एक बार फिर से करते हैं। इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं? दो की घात चार मतलब 16। बताओ इसका जो पावर सेट बनाएंगे उसमें कितने अवयव रहेंगे? क्यों? सब उप समुच्चय लिख लो, उनको एक कोष्ठक में बंद कर, वो कहलाते हैं घात समुच्चय। समझ गए बेटा? तो इसको अपन बोलते हैं समुच्चयों का समुच्चय, मतलब इसमें अवयवी खुद क्या हो? समुच्चय, वो कहलाता है समुच्चय का समुच्चय। समझ गए? थक गए? चलिए अब अपन करेंगे कि ये इसका पहला जो समुच्चय है वो इसका उप समुच्चय है कि नहीं है। यहाँ देखिए, एक उसमें है, तीन है, चार है, उप समुच्चय है ए। हाँ बात खत्म, बाकी चेक ही नहीं करना। ऐसा कोई अवयव इसमें नहीं होना चाहिए जो इसमें ना हो। अब आते हैं यहाँ पे, एक्स ऐसा है कि आप की विद्यालय की कक्षा 11 का विद्यार्थी है, मतलब इसमें कौन से लिखे जाएंगे? कक्षा 11 आप सबके नाम लिखे जाएंगे। और यहाँ क्या लिखा है? आपकी विद्यालय का एक विद्यार्थी, मतलब जीनियस क्लास का छात्र है। तो बड्डे जो कक्षा 11 का छात्र है वो विद्यालय का छात्र तो रहेगा ही रहेगा, ये आ जाएगा उपसमुच्चय। समझ आया बेटे? यहाँ पे लिखा है x ऐसा है कि x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, और x क्या है? पूर्णा। पहले विषम प्राकृतिक संख्याएं बोल दो सोनू, एक तीन पाँच, बस। पूर्णांक बोल दो सोनू, जीरो एक दो तीन चार, और यहाँ भी माइनस एक माइनस। तो भैया एक है उसमें, तीन है, पाँच कहाँ है? तो इसका मतलब समझते हो दया? ये इसका उपसमुच्चय कर लीजिए। x ऐसा है कि x समतल में स्थित एक वृत्त है, और x ऐसा है कि x की समतल में इकाई त्रिज्या का वृत्त है। तो पहले इस बात को हम समझ लें बेटा कि ये क्या बकवास कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि ये समुच्चय कैपिटल A है और ये समुच्चय कैपिटल B। सबसे पहले हम समुच्चय कैपिटल A को देखते हैं, इकाई त्रिज्या का समतल में स्थित एक वृत्त है, सॉरी एक वृत्त है, मतलब सब वृत्त आ जाएंगे इसमें। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा? कैपिटल A। फिर लिखा है x ऐसा है कि x की समतल में स्थित इकाई त्रिज्या का वृत्त है, तो ये आएगा केवल इसमें कौन कौन से आएंगे? इकाई त्रिज्या वाले। नहीं आया बस हमें? तो अब कौन उपसमुच्चय है? b है उपसमुच्चय, और a क्या है? अधि समुच्चय। कि ये लोग उल्टा लिख रहे हैं, ये लोग लिख रहे हैं कि ये उपसमुच्चय है, तो ये उपसमुच्चय नहीं है। नहीं आया समझ में? इसमें पूरे क्यों आ गए इस वाले में? समतल में स्थित एक वृत्त माना सब आ जाएंगे उसमें, और इसमें केवल कौन से आएंगे? इकाई त्रिज्या। तो कौन उपसमुच्चय है? बी है। लेकिन ये बी को कहाँ रखें, किस तरफ रखें? अधि समुच्चय तरफ, इसलिए उपसमुच्चय नहीं। समुच्चय दिए हैं, ए क्या है साधना? एक दो, एक तीन पाँच, और एक दो पाँच सात। आपको इसमें वो ही भरना है, या तो उपसमुच्चय है कि उपसमुच्चय नहीं है। चलिए तो देखिए, जैसे यहाँ पे फाइव, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइव जो है वो क्यों फाइव, ये इसमें ऐसा कोई अवयव नहीं है जो इसमें ना हो, उसमें कोई है नहीं, लेकिन देखो उधर तो वही है। तो फाइव समुच्चय है बी का। अब आते हैं कि ए है कि नहीं। ए सुन लो आराम से, ऐसे नहीं करते, अगर ए का पता करना तो देखते किसको है? ए को। है बी में? है बी में? नहीं आया समझ? काफी लोग लेते हैं। किसको देखेंगे? ए को कि सी को? ए को। ए का प्रत्येक अवयव सी में होना चाहिए। एक है, दो है, एक नहीं दो है, नहीं आया समझ? आन लगेगा देखते। अब आ जाते हैं यहाँ पे, बी उपसमुच्चय है सी का। एक है, तीन है, बस बात खत्म। आगे से उन्होंने क्या लेना? एक भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए। पांच को क्या करना चाहिए? उपसमुच्चय नहीं। नहीं आया समझ? ये एक है, चार पांच छह, इससे आप कितने उपसमुच्चय बना सकते? आठ पहला,
खाली वाला, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, फिर चार पांच, पांच छह, छह चार और चार पांच छह, सही है। तो अब मेरी बात समझिए, लोगों ने कहा कि कचरी नहीं, देखो ये खाली रख दी, जो फिर लिखी हूँ चार, फिर लिखी हूँ पांच, फिर लिखी हूँ छह, आता है एक नंबर में सारे उप समुच्चय लिखिए, तीन ही का आता है ना, चार का आता है ना, दो का आता है। तो कोई ने पूछी नकल करके, कह लेकर गुरु का, कह ले खाली बना दो, ठीक है बना, अब लिख दो चार पांच छह, अब लिख दो चार पांच, पांच छह, छह चार और चार पांच, अब बताओ उसको नंबर मिल जाएंगे क्यों? ये तो अवयव है बच्चों, ये तो ये उपसमुच्चय के लिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा? कोष्ठक। तो याद रखो ये उपसमुच्चय है, ये नहीं है, समझे? एक अवयव लेके उसको समुच्चय बनाना है। तो आप उसको छोटी बात समझ रहे? नहीं, गधे ऐसे प्रकार से मचाते हैं, उनको लगते हैं वो ही तो है, उन्होंने सर की बात सुनी नहीं ध्यान से। अब आप ध्यान दीजिए, देखो बेटा चार उपसमुच्चय है इसका, है कैसे, क्यों नहीं है? चार सदस्य है, चार क्या है सदस्य, ये सही है, ये सही नहीं है, नहीं है ऐसा। अब बताओ, अब ये सही है, अब ये सही है, ये इसका उपसमुच्चय है, अब बताओ ये सही है, अब ये इसका उपसमुच्चय है। आज इतना ही सुन रहा, तो अब फिर से करते हैं, चूंकि याद नहीं सुना, वायद तो भगवान आदमी। अब जो पूछूं, ये एक समुच्चय है मेरे पास, चार पांच छह, चार उपसमुच्चय है एक, सही है, क्यों नहीं है? चार है उपसमुच्चय, अब बताओ सही है, अब बताओ क्यों? एक मिनट, इसका सदस्य नहीं है, चार ही तो है ये, एक मिनट रुक जाओ, ये इसका चार इसमें है, इसमें तो सदस्य हुआ ना इसका, सर इसको पढ़ी लिखा है चार का मतलब सबसेट, ये इसका सदस्य नहीं, कन्फ्यूजन दूर हो रहे हैं, है ना? हमने ऐसे नहीं कि बुक से छाप के दे दिया, चलो ये पढ़ेंगे, वो तो बेटा चैप्टर नहीं है सर, अपन पूरे इंटरेस्ट की कोशिश कर रहे हैं, आप पढ़ो या ना पढ़ो। आखिरी चीज, ये क्या कहलाता है? पावर सेट ऑफ, पावर सेट ऑफ ये सदस्य कौन होते हो? उपसमुच्चय, ज्यादा बोल दिया है ना। चलिए तो वापस आते हैं, यहाँ पे लिखा है पांच उपसमुच्चय है चार पांच से का, ये गलत है, क्यों है गलत? क्यों? उपसमुच्चय के लिए समुच्चय तो होना चाहिए, इसको कोष्ठक ही नहीं लगे। अब देखिए पांच सदस्य है चार पांच छह, ये सही है, ये पांच सदस्य उपसमुच्चय है चार पांच छह का, ये सही है, लेकिन पांच ब्रैकेट में सदस्य नहीं, ये इसका उपसमुच्चय है, ये फाल्स है। ए बी उपसमुच्चय है इसका, सही है, ए है बी है, ये सत्य है, एक उपसमुच्चय है, सॉरी सदस्य है, सदस्य तो नहीं है। चलिए एक दो उपसमुच्चय नहीं है इसका, नहीं नहीं देखो एक है दो तो ये गलत है, ये उपसमुच्चय है तो ये अपना क्या हो गया? फॉल्स। एक दो तीन उपसमुच्चय नहीं है, एक दो पांच का बिल्कुल इसमें तीन है, इसमें नहीं है, ये सही है। आखिरी है ए ई यू, और यहाँ अंगली वर्णमाला के स्वर लिखेंगे अपन खुशबू, ए ई आई ओ यू, क्या ये उपसमुच्चय है? है, लेकिन ये तो बोल रहे हैं नहीं, ये कथन जो है वो उसने यहाँ पर एक समुच्चय दिया है ए, एक दो तीन चार पाँच, ये बोल रहे हैं कि तीन चार उपसमुच्चय है ए का, क्या ये सही बोल रहे हैं? तीन ए में है, चार ए में है, ये सही बोल रहे हैं। चलिए तीन चार सदस्य नहीं, ये सदस्य तो कोई नहीं सकता, ये इसमें उपसमुच्चय समुच्चय है, एक सदस्य नहीं हो सकता, एक उपसमुच्चय नहीं, उपसमुच्चय होने के लिए यहाँ पे क्या लाना चाहिए? ब्रैकेट। वाह यार, पांच उपसमुच्चय एक का, ये सही है, एक सदस्य एक सही, किसके सही है सारे? झूठी। चलो कल तो यहाँ पर ए जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ए पर विशेष ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, आपको ये बताना कि ए में कितने सदस्य हैं, बाकी क्या तेल दे, ए बी सी डी और ई, पहले बताओ कि ए में सदस्य कितने हैं, बताओ क्यों? गिनो, एक दो तीन चार पांच है, ए बी सी डी नहीं, सी नहीं है, डी नहीं है, सी डी है, नहीं ऐसा अब है कंफ्यूजन,
तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सबसे पहली बात कि क्या सी सी सदस्य है ए का? लिखा तो है ये पूरा एक अवयव है सी डी, समझे? अब बताओ क्या डी सदस्य है ए का? क्या सी डी सदस्य है ए का? नहीं है। ये समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया। इन एनी केस आपको नहीं आया तो आप इसको जेड मान, ठीक है? समझ में आएगा कि ए बी जेड और ई ये सब इसके क्या हैं? सदस्य। चलिए सी डी की जगह लिखूंगा सेड, जेड उपसमुच्चय है ए का। कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, इसमें कर्ण वगैरह लगे तो ये गलत है। जेड अवयव है ए का, ये बिल्कुल सही है। जेड इसकी जगह जेड और फिर लगाया है समुच्चय सदस्य का, ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि ये सेड था और इसमें ब्रैकेट भी लगे हैं तो समुच्चय है। अब देखो ए सदस्य है ए का, ये सत्य है। ए बी ई उपसमुच्चय है, बिल्कुल ए बी है, बी बी है और ये सही है। ए बी ई सदस्य है, नहीं सदस्य कैसे हो सकते हैं, ब्रैकेट में सदस्य नहीं होती। ए बी सी उपसमुच्चय है ए का, सी है ही नहीं, सी तो उसमें ही नहीं, तो ये गलत है। ये सी तो इसमें ही नहीं है, इसमें सी नहीं, इसमें कौन है? सी डी है। फाई उपसमुच्चय ए का, ये सबसे अच्छा है। फाई जो है वो सबका उपसमुच्चय होता है, समझ में आया? लेकिन फाई सबका सदस्य नहीं होता। फाई ब्रैकेट उपसमुच्चय का ये गलत है, फाई खुद उपसमुच्चय है और फाई का ब्रैकेट नहीं होगा। नहीं आया समझ में? कर ले भाई।